अहम खबर दें आपको, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए केस की समाअत। कमिश्नर लाहौर की जानिब से सीनियर लीगल एडवाइजर साहबजादा मुजफ्फर अली ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम पर अमल दरामद कराया जाएगा। हफ्ते के रोज स्कूल और कॉलेजेस मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। अदालत ने केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी है। इसी पर मजीद तफसीला जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद बकास जी। बकास बताएगा, 2 रोज के लिए वर्क फ्रॉम होम कह दिया गया। जी देखिए, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्त पर समाअत की है। दौरान समाअत कमिश्नर लाहौर की जानिब से रिपोर्ट भी जमा कराई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि ननकाना शेखुपुरा में फसलों की बाकियात को आग लगाने के वाकियात रिपोर्ट हुए हैं, जिस पर वहां के पटवारी और गुरुद्वारों समेत दीगर अमले को मुअत्तल किया गया है। जबकि साइकिलिंग के फरोग के लिए भी लाहौर में इस्तंबल चौक से लेकर माल रोड तक ग्रीन लाइन बना दी गई है। दौरान समाअत अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि जो जुडिशियल कमीशन के मेंबरान हैं वो जुमे के रोज निगरान वज़ीर आला से मुलाकात करें और स्मोक के हवाले से एक प्रॉपर जो है वो प्लान सामने लेकर आए। अदालत ने ये भी हिदायत की है कि हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल कराया जाए और हफ्ते के रोज जो है वो स्कूल कॉलेजेस में मुकम्मल तौर पर शट डाउन किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने ये भी रिमार्क्स दिए कि स्मोक अब सिर्फ लाहौर का नहीं बल्कि पूरे पंजाब का मसला बन चुका है और तमाम स्मोक के तदारुक के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं। मोहम्मद वकास आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब खबर आपकी दस्तरस में हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक्वामी हालात से यकीन के साथ।